तो दोस्तों फाइनली जादुई दुनिया यानी कि भैया पेंडोरा की कहानी सिनेमा घरों में आने के लिए हो चुकी है पूर्ण रूप से तैयार। यानी कि भाई जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है इस बात की जानकारी के साथ कि भैया हो जाइए तैयार, जादुई दुनिया यानी कि पेंडोरा की कहानी को एक बार फिर से सिनेमा घरों में देखने के लिए। तो दोस्तों कैसा है अवतार द वे ऑफ वाटर का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों हॉलीवुड की फिल्म है तो भैया हॉलीवुड की फिल्म को लेकर ये बात तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया अगर फिल्म हॉलीवुड की है तो VFX आउट ऑफ द बॉक्स होगा भैया, एनिमेशन लाजवाब होगा, एक्शन भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। यानी भैया हॉलीवुड की फिल्मों में ये बात तो हम लगातार देखते हैं, लेकिन भाई अगर फिल्म जेम्स कैमरून की होगी तो भाई वो फिल्म भैया सुपर से ऊपर होगा मेरे भाई। यानी भैया जेम्स कैमरून की आने वाली इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रहे थे और भाई फाइनली आज भैया अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर जिस तरह से हम लोग के सामने रखा गया है उसको देखने के बाद तो ये बात हम लोग कह सकते हैं कि भैया कोई भी फिल्म इस फिल्म के सामने आने की हिम्मत दिखा ही नहीं सकती भैया। यानी कि भैया पहला पार्ट आप लोगों को याद होगा कि भैया उस वक्त हमें कहानी देखने को मिली थी धरातल के ऊपर वाली, लेकिन भैया इस बार की कहानी जो है द वे ऑफ वाटर के माध्यम से हम लोगों के सामने आने वाली है। यानी कि भैया पेंडोरा के जो दुश्मन है वो इस बार जमीनी रास्ते से नहीं, आकाशी रास्ते से नहीं, बल्कि भैया वाटर के रास्ते से हम लोगों के सामने आएंगे। और भाई इस बार पूरा जो सिनारियो हमें देखने को मिलेगा अवतार का वो पानी के अंदर होगा। और भाई जितना भी विजुअल आज दिखाया गया है इस फिल्म का, इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से, उसमें आप यही बात देखोगे कि भैया इस बार खूबसूरती जो है वो जमीन के ऊपर वाली नहीं है बल्कि जमीन के अंदर वाली है। यानी भैया जमीन के ऊपर भी आपको बहुत सारी खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन भैया कहानी जो है वो इस बार पानी के रास्ते ही हम लोगों के सामने आने वाली है। और भाई एक से बढ़कर एक विजुअल, भाई क्या सोचते हैं भैया जेम्स कैमरून, उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चलता है और उसको जिस तरह से वो भैया ऑडियंस के सामने रखते हैं ना, उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है मेरे भाई। यानी भैया इस बार कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं जेम्स कैमरून अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से। यानी भैया इस बार की कहानी को लेकर ये बात हमें बताई जा रही है कि भैया इस बार जो कहानी है वो जैक नैत्री और उनके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। तो दोस्तों वाकई में अवतार द वे ऑफ वाटर का ये ट्रेलर जिस तरह हम लोग के सामने रखा गया है इसको देखने के बाद भाई दिल से ये आवाज निकलती है कि भैया कब हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी शानदार लाजवाब बेहतरीन फिल्में बनेगी भैया पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर मेरे भाई। यानी भैया हाल फिलहाल में बॉलीवुड की तरफ से जितनी भी फिल्में हम लोगों के सामने आई है एनिमेशन VFX और CGI के माध्यम से, भैया उन फिल्मों को देखने के बाद ऐसा लगता है भैया इस फिल्म के सामने वो 5% भी नहीं है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है और भाई इस बार लगता है कि मुकाबला जो है भैया वो बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाला है। क्या इस बार पेंडोरा जीतेगा या फिर हम इंसान पेंडोरा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इस बात को समझने के लिए आपको देखने जाना पड़ेगा इस फिल्म को सिनेमाघरों में 16 दिसंबर को। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म इंडिया में पैन इंडिया के तहत रिलीज की जा रही है हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम और भैया कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से। तो दोस्तों जेम्स कैमरून को एक बार फिर से सैल्यूट है क्योंकि भैया वो ऐसे मेकर हैं कि भैया उनकी बराबरी करना इस वक्त भैया पूरे ब्रह्मांड में किसी भी डायरेक्टर के अंदर वो कुबत नहीं है मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म यानी कि भैया अवतार द वे ऑफ वाटर का ये ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है इस बार पेंडोरा की कहानी भैया अवतार के पार्ट 1 के रिकॉर्ड को तोड़कर उससे आगे निकलने वाली है क्या? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।